नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ सरपुतिया की सरसों वाली सब्ज़ी। सरपुतिया को हमारे यूपी में तो सरपुतिया ही कहा जाता है, बाकी जगह इसको तोरी के नाम से, छोटी तोरी या बरसाती तोरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अपने किचन गार्डन से सरपुतिया तोड़ के नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि सरपुतिया तो मैंने लगाई है लेकिन अभी वो छोटी है, उसमें सरपुतिया फलना शुरू नहीं हुई है। तो सरपुतिया की सब्ज़ी के लिए मैं सरपुतिया बाज़ार से लेके आ गई हूँ। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं सरपुतिया की सब्ज़ी। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगेगा, सरपुतिया की रेसिपी पक्का ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव आप मुझे देना चाहें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके सुझाव से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगी। दोस्तों, सरपुतिया की मसाले वाली सब्ज़ी के लिए मैंने ली है आधा किलो सरपुतिया, लहसुन, एक इंच अदरक का टुकड़ा, कुछ हरी मिर्च, छोटी साइज़ की प्याज है इसलिए 4-5 प्याज ली है, आप सिर्फ एक या दो प्याज ले सकते हैं। एक आलू लिया है मैंने और लिया है एक टमाटर। ये सरसों वाली सब्ज़ी है इसलिए इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच सरसों, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी आधा चम्मच लगभग धनिया, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। इस सब्ज़ी के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसाले की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इतना मसाला पर्याप्त है। अब हम मसालों को, इसी मसाले में हम अपना लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और दो प्याज, इन सबको डाल के पीस लेंगे। मैं सिलबट्टे पे पीसने जा रही हूँ, आप इसको मिक्सर में आसानी से पीस सकते हैं। तो मैं जब तक मसाला पीसती हूँ सरपुतिया को छील लेती हूँ। तेल गर्म हो गया है दोस्तों, अब इसमें देखिए आधा चम्मच हम मेथी डाल देंगे और मेथी को लाल होने तक पकाएंगे। दोस्तों, हमारी मेथी लाल हो गई है, इसमें हम डाल देंगे प्याज। और प्याज को लगभग हल्का सा सुनहरा होने तक भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे प्याज लगभग थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने जो आलू काट रखे थे ये आलू इसमें डाल देंगे और आलू को भी हम बढ़िया से भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू भी लगभग हल्के से भून चुके हैं। और इस स्टेज पे हमने जो मसाले पीस के रखे थे, जिसमें हमने सरसों और लहसुन, प्याज, अदरक लिया था और जितने भी हमारे मसाले थे, वो मसाले देखे मैंने बढ़िया से पीस लिया है। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। और मसालों को तेल छोड़ने तक बहुत बढ़िया से भूनेंगे, जब तक कि मसाले को बढ़िया से तेल न छोड़ें। अब हमारे मसाले लगभग भून चुके हैं, कढ़ाई में तेल छोड़ चुका है। इस स्टेज पे हमने जो अपना टमाटर काट के रखा था, उस टमाटर को भी अपनी सब्ज़ी में डाल देते हैं और टमाटर को भी खूब बढ़िया सा भून लेते हैं। हम अपनी सरपुतिया अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि सरपुतिया में बहुत अधिक पानी होता है, तो अगर हम सरपुतिया पहले ही डाल देंगे और मसाला बाद में डालेंगे तो हमारे मसाले कच्चे रह जाएंगे और जो सरपुतिया का असली टेस्ट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरपुतिया की सब्ज़ी बनाते समय मसाला, टमाटर सब कुछ भुनने के बाद अंत में सिर्फ हम सरपुतिया डालते हैं और उसमें हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो टमाटर हमारे बढ़िया से भुजे दोस्तों। टमाटर को गलने के लिए मैं 1 चम्मच, छोटा चम्मच है, आप बड़ा चम्मच हो तो डाल सकते हैं, नमक डाल दिया है। और अब इसको हम गैस का फ्लेम धीमा करके टमाटर को बढ़िया से गलने देंगे।
ये देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर भी लगभग 2-3 मिनट के बाद खूब अच्छे से गल चुका है। और इस स्टेज पे अब हम अपनी जो सरपुतिया हमने काट के रखी थी इसको डाल देंगे और इसको भी बढ़िया से भूजेंगे। पानी हमें इस सब्ज़ी में नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा ही पानी डालते हैं, लेकिन जब हमारी सरपुतिया भून जाएगी उसके बाद हम पानी डालेंगे। अभी इसको हम अच्छे से चला के कुछ देर के लिए ढक देंगे ताकि सरपुतिया पानी छोड़ दे। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप सरपुतिया की सब्ज़ी को सरसों का मसाला डाल के बनाएंगे तो ये सब्ज़ी वाकई ही बहुत टेस्टी लगती है। और दोस्तों, अगर आपको ये सरपुतिया की सब्ज़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया विलेज स्टाइल में सब्जी मैं आपके सामने लेके आती रहूँ। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। दोस्तों, सरपुतिया को हम ऐसे खूब बढ़िया से चला के और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको ढक देंगे ताकि थोड़ी देर खूब बढ़िया से पक जाए। लगभग 2 या 3 मिनट के बाद इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। दोस्तों, लगभग 3 या 4 मिनट हो गए हैं, बीच बीच में मैं सब्ज़ी को खोल खोल के चला रही थी और ये देखिए मेरी सरपुतिया लगभग गल चुकी है। आप चाहें तो इसको बिना पानी के ही बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें जूस के लिए पानी डालती हूँ तो इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल देती हूँ। और पानी ढकने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे मैं ढक दूँगी और जब तक हमारे आलू एकदम नरम ना हो जाएं तब तक इसको हम लोग पका लेंगे। लगभग 5 या 10 मिनट हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे और उसके बाद हमारी ये सरपुतिया की सब्ज़ी बनके एकदम तैयार है। ये देखिए दोस्तों, लगभग 10-15 मिनट पकने के बाद हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आलू भी बढ़िया से गल गए हैं, सरपुतिया भी गल गई है और बस मैं अपना गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको सर्व कर लेती हूँ। दोस्तों, ये सरसों के मसाले वाली सरपुतिया की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप गरम गरम चावल के साथ, रोटी के साथ लंच में खाइए या रात के खाने में खाइए, डिनर में खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी सरपुतिया की सब्ज़ी बन के तैयार है। इसमें मैंने ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ी सी धनिया डाल दी है। इस सब्ज़ी के साथ देखिए मैंने रोटियां बनाई हैं जो एकदम गर्मा गर्म हैं और साथ में बनाया है चावल। तो मेरा तो खाना बन चुका है, आप भी बनाइए ये मेरे घर के स्टाइल की सरपुतिया की सरसों वाली सब्ज़ी, पक्का ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी।